डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के इस खसूस एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ आज एक या दो अहम बातें हमको करनी है आपको अगर याद हो पिछले साल जब मैं इंग्लिश सीरीज़ कर रहा था उस वक्त मैंने ये एक पेशन को ही की थी शायद कि एक वक्त आएगा कि जहाँ पर ट्रेडिशनल मीडिया मुझ पर तवज्जो देगी मेरे काम पे तवज्जो देगी और फिर ये बात जो अभी यूट्यूब तक महदूद है वो बात ट्रेडिशनल मीडिया भी फैलाएगी और बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी वो वक्त आ गया है न्यूयॉर्क की एक बहुत ही बड़ी डॉक्यूमेंट्री कंपनी ने मुझे कॉल किया है और उन्होंने मेरी सीरीज़ देखी है और उनको ऐसे लगता है कि इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए तो वो अभी फिलहाल मेरे साथ काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी ये अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि आपको मालूम है कि आगा खान से मैं नहीं डरता लेकिन जो कंपनीज होती है जो एंटिटीज होती है उनको तो डर लगता है ना कि भाई वो कहीं उनके ऊपर लीगल केस ना कर दे तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि अब हम हम हमारी ड्यू डिलीजेंस करेंगे तो आज मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि मैंने ये जो सीरीज़ बनाई है काफ़ी सेक्रीफाइसिस देने के बाद बनाई है यहाँ तक हम आए हैं आपने मेरा साथ दिया है और दूसरे लोगों ने भी काम किया है यूट्यूब पे यह ऐसा मोड है कि जहाँ पर हमको सपोर्ट की जरूरत है मुझे ये पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा दुआएं मिली बहुत ज़्यादा मेरे काम को सराहा गया तारीफ हुई लेकिन वो अपनी जगह है तारीफ से बात आगे नहीं बढ़ेगी आगे बढ़ने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा तो अगर आपको अपनी कहानी डॉक्यूमेंट्री पे बतानी है तो आप मुझे ईमेल कीजिए यह मेरा ईमेल एड्रेस है मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी लोग अपनी कहानी कहने के लिए मुझे कांटेक्ट करेंगे तो अभी से मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर ये वीडियो बनी ये डॉक्यूमेंट्री बनी कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी कहानी डॉक्यूमेंट्री पे आए फिर भी मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप अपनी कहानी अगर कहने के लिए तैयार हो तो फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए यह डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया में जाएगी तो ये मौका बहुत ही अहम है दूसरी बात मुझे आपसे यह करनी थी कि हमने प्रॉमिस किया था कुछ वक्त पहले कि इस्माइली स्कॉलर्स हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जमात खाने की दरवाजों के पीछे लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सच का सामना करें। खबो हाँ ख्यालों की दुनिया में से निकलकर हकीकत की दुनिया में आए और मुझसे बात करें, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सपनों के सौदागर है तो ऐसे दो सौदागर की मैंने बात की थी आपको एक तो हमारे खलील अंदानी पीएचडी साहब और एक तो हमारे कमालुद्दीन मिशनरी उन दोनों को हमने फॉर्मली इनविटेशन भेजे थे हमने उनको ईमेल भेजा फॉर्मल बेसिस पे और हमने ये कहा कि भाई आप आइए इतनी वायजें आपने दुनिया को सुनाई है एक वायस सलीम लालानी को भी सुनाओ और एक छोटी सी वाय सलीम की भी सुन लो तो उन्होंने मेरे ईमेल को नज़रअंदाज कर दिया है ये बताने के लिए मैंने ये बात को आज छेड़ी है मेरा ईमेल अगर आपको देखना है तो मैंने ये एपिसोड के नीचे एक लिंक दी हुई है वो खोल के आप वो ईमेल मेरा पढ़ सकते हो एक वीडियो आया है किसी ने भेजा मुझे एक आगा खानी अपने कोई रिश्तेदार जो बहुत ही बीमार है उसके लिए फंड रेजिंग कर रहा है हमारी दुआ ये है कि वो रिश्तेदार जल्द से जल्द ठीक हो जाए लेकिन आज बात ये करनी है कि ये आपके पास एक सबूत है इस बात का उन वो आगा खानियों के मुंह पे ये एक तमाचा है ये वीडियो कि जो हमेशा हमको कहते हैं कि हमारा इमाम तो लोगों की सेवा करता है लोगों की तो छोड़ दो जिन लोगों ने उसको पैसे दिए वो आज मौत से लड़ रहा है उसको भी नहीं दे रहा है और वो आदमी आज हर जगह फंड इक, इकट्ठा कर रहा है उसके दोस्तों के पास उसके जानने वालों के पास यूट्यूब पे ये कुछ ने छोटी सी क्लिप डाली है ये आप खुद ही देख लो और खुद ही अंदाजा लगा लो कि आगा खान कितनी बड़ी सेवा करता है इंसान की और अपने मुरीद की उसके अलावा एक और बात मुझे आपसे करनी है कि अब से तकरीबन हर हफ्ते हमारे आगा खान साहब एक तालिका भेजेंगे तालिका जिन लोगों को नहीं मालूम है क्या है ये एक आगा ख़ान साहब का फरमान होता है कि जो वो लिखते हैं अपने अपने मुरीदों के लिए और उनको भेजते हैं जमात खानों में ये पढ़ा जाता है एक मैसेज है और कुछ नहीं है फरमान है और जिस दिन ये तालिका पढ़ा जाता है जमात खाना में उस दिन एक छोटी सी सेलिब्रेशन होती है कि मौला ने हमको याद किया तो मौला जो है वो सलीम लालानी के चैनल पे हर हफ्ते एक तालिका भेजेंगे वो जमात खानों में तो कभी कभी भेजते हैं लेकिन सलीम लालानी के चैनल पे वो उन्होंने ये वायदा किया है कि वो हर हफ्ते भेजेंगे तो आप वो आज पहला तालिका है तो ये सुनने के बाद आप शरबत जरूर पीना आज जो बात करनी है हमको थोड़ी संजीदा है और थोड़ा मैं इस बात को लेकर आ, परेशान तो नहीं लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंट हो ये बात को सुनकर मुझे एक साहब का फोन आया कनाडा से पढ़े लिखे साहब पहले इस्माइली थे आगा खानी थे अब मुसलमान बन गए उनका फ़ोन आया कहने लगे ये या आपको याद है ये तब की बात है कि जब एक महीने पहले आपको याद है मैं बीमार हो गया था और मैंने कुछ वीडियोस कुछ अरसे तक मैंने वीडियोस नहीं डाली थी ये उस वक्त की बात है तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई क्या बात है आपकी वीडियोस नहीं आ रही है तो मैंने बोला भाई मैं बीमार हूं जल्द से जल्द मैं जो है वीडियो शुरू कर दूंगा आप फिक्र ना करें बात चली तो मैंने उनको ये पूछा एक सवाल मैंने कहा भाई साहब देखिए मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे मदद मांगता हूं आप मुसलमान हो गए हो ना तो ये मेरा जो काम है इसमें मेरी मदद करो मुझे हेल्प करो उन्होंने कहा नहीं करेंगे मैं बोला क्यों नहीं करेंगे क्या बात है आप यकीन मानो या ना मानो उन्होंने कहा क्योंकि आप खुद मुसलमान नहीं हो हम आपकी मदद क्यों करें और यह सुनकर थोड़ा झटका तो लगा क्योंकि यह बात जो है काफी गहरी बात है और इस बात की गहराई में मुझे नहीं लगता है कि यह आदमी जो बोल गया उसको भी नहीं मालूम है कि वो क्या बोल गया आप मुसलमान नहीं हो नहीं करेंगे मदद तो क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि उसको भी नहीं मालूम है कि वो क्या बोल गया लेकिन उसने इतना साफ अल्फाजों में बोला कि मदद नहीं करेंगे और ये बात सिर्फ उसने नहीं बोली है उसके बाद मैंने दो तीन लोगों से पूछा मुसलमानों से जो पहले आगा खानी थे कुछ लोग वैसे भी मुसलमान थे आगा खानी नहीं थे और उन लोगों ने भी यही बात बोली कि भाई आप मुसलमान नहीं हो आपको मदद नहीं करेंगे तो मैंने उनको ये कहा कि मेरा मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि जिसके लिए मुझे मुसलमान होना जरूरी है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मैंने फिर से सवाल पूछा कि मैं क्या काम करता हूं आप मुझे बताइए कि जिसके लिए मुसलमान होना बड़ा जरूरी है उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया और ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है ये पढ़ा लिखा आदमी है अब देखिए आप जवाब वो नहीं दे सका मेरे सवाल का दो दफा मैंने वो सवाल को रिपीट किया नहीं दे सका मैंने कहा देखो भाई साहब मैं काम क्या कर रहा हूं दो काम कर रहा हूं एक तो क्या काम करता हूं कि आगा खान जो गरीबों को लूट रहा है वो लूट मारी के खिलाफ मैं काम कर रहा हूं है ना और दूसरा क्या था कि इस्लाम की तोहीन जो आगा खान कर रहा है उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं ये दो काम कर रहा हूं तो अगर मैं मुसलमान नहीं हूं तो क्या मैं मुस्लिम लोगों के लिए नहीं लड़ सकता हूं एज अ नॉन मुस्लिम अगर मैं आपको इमदाद करना चाहता हूं एज अ नॉन मुस्लिम मुझे बुरा लगता है कि क्यों ये किसी मजहब की तोहिन कर रहा आगा खान मुझे बुरा लगता है तो आप यह कहते हो कि मुझे पहले मुसलमान बनना पड़ेगा फिर मैं अल्लाह की और इस्लाम की खिदमत कर सकता हूं बाहर के मैं इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकता हूं आप यह कह रहे हो फिर भी उसका जवाब नहीं आया अब तक तो जब हमारी बात चली तो वो उसके दिमाग में बात तो थोड़ा दिमाग तो चकरा ही गया उसका और फिर मैंने कहा कि कोई आदमी कोई गरीब को कोई लूट रहा है उसको बचाने के लिए मुझे मुसलमान बनना जरूरी है मैंने पूछा उससे भाई साहब बताइए मुझे आप रास्ते में जाते हो एक आदमी गाड़ी के नीचे आ जाएगा आपने देख लिया है कि वो आ जाएगा और आपके बस में है कि आप उसको बचा लो आप क्या करोगे आप पहले उसको पूछोगे कि भाई मैं मुसलमान नहीं हूं लेकिन मैं तेरे को हेल्प करूं इनका कहना यह है इंसानियत एक तरफ गरीबों को बचाना बचाना हमारा काम नहीं है हमारा काम लोगों को मुसलमान बनाना है इन्होंने ये बात बोल दी है हमारा काम अल्लाह की अगर तोहिन करता है उससे हमको कोई खास लेना देना नहीं है हा हमको मुसलमान बनाना है अगर सलीम मुसलमान है तो फिर तो बात बनती है फिर फिर अल्लाह की भी मदद कर लेंगे यार इस, इस्लाम की भी कर लेंगे मौका मिलेगा तो और वो कितनी करते हैं वो तो अलग बात है मुसलमान बनाना है सबको और ये बात जो मैं कह रहा हूं मैं ये बात को दोहराऊंगा कि सब लोग ऐसे नहीं है सब मुसलमानों की इतनी घटिया सोच इतनी बेअकल सोच इतनी नॉन इस्लामिक सोच नहीं है लेकिन कुछ मेरे दोस्त मेरे भाई इन लोगों की ऐसी सोच है इन लोगों को मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था शायद एक वीडियो में कि मुसलमान के पीछे रह जाने की बहुत सारी बहुत सारी वजहें हैं उसमें से एक वजह मैंने दी थी कि हम पीछे देखते हैं आज मैं एक और वजह आपको दे देता हूं लेकिन कभी मौका मिला मैं डिटेल में ये टॉपिक पे बात करूंगा और वो सिर्फ इसलिए करूंगा कि मुझे एक दिन जो गरीबों पे जुल्म हो रहे हैं और इतफाक की बात है कि गरीब वो जिन पे जुल्म हो रहे हैं वो मुसलमान है लेकिन वो मुसलमान है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं ये काम या करूंगा वो इसलिए करूंगा कि वो मुसलमान भी इंसान है और इसलिए मैं उसकी मदद करूंगा कल सुबह अगर हिंदू मुश्किल में आ जाएगा मेरे बस में कुछ होगा तो मैं करूंगा अभी मुसलमान मार खा रहे हैं हर जगह मार खा रहे हैं बूढ़ों ने बच्चों ने औरतों ने क्या गुरा किया है भाई इन लोगों का जो उनको मार रहे हैं दुनिया भर में ये क्यों इतने वीक है क्यों अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं इसके ऊपर मेरे बहुत ख्याल है मैं बहुत सोचता हूं इसके बारे में और वो मैं शेयर करूंगा आपसे लेकिन एक वजह ये भी है मुसलमानों में यह सोच जो दोस्त है जो इमदाद करने की कोशिश कर रहा है उसको दुश्मन किस तरह बनाना है हमको अच्छी तरह मालूम है जो अपनी जान पे खेलकर काम कर रहा है इस्लाम के लिए उसको मदद नहीं करनी है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है आपका घर जल रहा होगा और कोई नॉन मुस्लिम पानी डालने आएगा बचाने को आएगा आप पूछोगे ना उसको पहले कि नहीं नहीं मेरे घर को मत बचाना जलने दे तू मुसलमान है कि नहीं अगर तू मुसलमान है तो मेरे घर को तो बचा सकता है मेरी मेरी फैमिली को बचा सकता है जो जल रहे अंदर पूछना उसको जाकर ये एक दूसरी वजह है जिसकी वजह से इस्लाम इस्लाम नहीं मुसलमान मुसलमान बहुत पीछे है यह दूसरी वजह है जिसकी वजह से मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं सोच घटिया किस्म की है हमारी हमारी सोच को हमको बदलना पड़ेगा और अभी बदलना पड़ेगा अभी आज अभी मुझे, मुझे सुन रहे हो आप अभी बदलना पड़ेगा क्योंकि चौदह सौ साल से आपकी यह घटिया सोच चल रही है एजुकेशन आ चुका है जमाना कहां निकल गया आप वही खड्डे में पड़े हुए हो अब तो निकलो और मैं ये जो साहब की बात कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है यह आदमी और उसको मैंने उस दिन बोला था चुल्लू भर पानी लो उसमें डूब जाओ जो आदमी आपकी मदद कर रहा है उसके हाथ काट रहे हो और इत्तेफाक की बात यह है इत्तेफाक की बात यह है कि उसके कुछ दिनों बाद कुछ ऑडियो मेरे खिलाफ चलने लगी हर जगह कि मैं जो है इस्लाम का दुश्मन हूं ना मुझे बना दिया इस्लाम का दुश्मन क्यों भाई क्यों मैं इस्लाम के लिए लड़ता हूं इसलिए मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए मैं इस्लाम का दुश्मन हो गया मैंने जो कुर्बानियां दी है वो कुछ नहीं और आप मुसलमान हो आप मुसलमान हो आपने आगा खान के बारे में क्या कर लिया आपके आपके अल्लाह को वो उसकी वो तोहीन करता है रोजाना तीन दफा आपने क्या किया बताइए मैं आपको पूछता हूं उस दिन भी पूछा था आज सब पूरी दुनिया के सामने बताता हूं ये बात जो मैंने आपको बताई थी मैंने आपको यह पूछा था कि आपकी मां को कोई गाली दे देगा तो आप क्या करोगे क्या करोगे बोलो क्या करोगे आप मारोगे उसको मारोगे कि नहीं मारोगे कैसी मजाल उसकी कि मेरी मां के खिलाफ उसने बात कर दी है लेकिन आप कैसे महान मुसलमान हो आपकी अल्लाह को गाली देता है तोहीन कर रहा है रोजाना तौर पर तीन दफा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप कहते हो आप मुसलमान हो आप आओ मेरे सामने ये चैनल पे आके इस्लाम क्या चीज है अल्लाह क्या चीज है बताओ मुझे आओ आप अगर आलिम हो आप मुफ्ती साहब हो आप जो भी हो मुसलमान हो आओ मेरे सामने और मुझे बोलो अल्लाह इस्लाम में क्या दर्जा रखता है आपकी मां को किसी ने गाली दे दी मारोगे उसको अल्लाह को गाली दी क्या फर्क पड़ता है भाई हम इतनी अक्ल रखते हैं मुसलमान फिर से दोहराऊंगा सब नहीं सब नहीं कुछ लोग और ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से आज इस्लाम बहुत पीछे है इनकी सोच को बदलने की अभी जरूरत है मैं इसलिए यह बात को उठा रहा हूं अच्छा मजे की बात आप देखो कि मदद मुझे नहीं करनी है उनको लेकिन मुफ्त में मेरे वीडियो को देखना है मैं थोड़ा बीमार क्या पड़ गया उनका फोन आ गया भाई वीडियो का है मुफ्त में एंटरटेनमेंट चाहिए लेकिन यह आदमी लड़ रहा है एक बहुत ही बड़े राक्षस के सामने एक छोटा सा सा आदमी इतने बड़े शैतान के सामने लड़ रहा है आपको उसकी इमदाद नहीं करनी है आपको स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट की मैच देखनी है और क्रिकेट की मैच की टिकट भी नहीं देनी है क्या ये होता है मुसलमान ये सवाल मैं आप सब से कर रहा हूं आप सब से कर रहा हूं जो भी मुसलमान मुझे सुन रहा है क्या ये होता है मुसलमान क्या यह होता है इस्लाम कि जिसके अंदर अल्लाह की कोई वैल्यू नहीं होती है बताइएगा मुझे अपने कमेंट्स मुझे यूट्यूब पे फेसबुक पे जहां भी आपको लिखना है आप लिख के मुझे बताइए कि सलीम लालानी ने इस्लाम के लिए क्या किया और हम मुसलमानों ने क्या किया आगा खान के मुतालिक मैं दूसरी और कोई बात नहीं कर रहा हूं आगा खान के मुताबिक सलीम ने क्या किया आपने क्या किया मेरी वीडियोस को एंटरटेनमेंट के तौर पे देखने के अलावा यह मुझे जरूर लिख के भेजना अगर मेरी बात गलत है फिर भी लिखना और मेरी बात अगर सही है फिर भी लिखना उसके अलावा एक बात मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन आज मैं करता हूं कुछ कुरान की बातें अगर मेरे मुसलमान भाई जो है उनको नहीं समझ आता है कि इस्लाम क्या है कुछ लोगों को दूसरों को आता है कि इस्लाम क्या है अल्लाह क्या है तो एक छोटी सी झलक मैं आपको दे देता हूं कुरान शरीफ में आप चले जाइए उसके अंदर कुछ बातें हैं अल्लाह के निन्यानवे नाम हैं और उन नामों में से एक नाम है रहमान रहीम भी हूं रहमान भी हूं है ना क्या उसकी रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि वो दो जहान का मालिक है बताइए मुझे रबुल आलमीन मुसलमान की बात नहीं हो रही है वो कहता है मैं तो पूरे आलम का रब हूं पूरे आलम का मुसलमानों मुसलमान तो उसका एक हिस्सा है हाथी भी उसकी कुदरत है चूटी भी उसकी कुदरत है मुसलमान भी उसकी कुदरत है हिंदू भी उसकी कुदरत है क्रिश्चियन भी उसकी कुदरत है है ना क्या बोला कुरान शरीफ में रबुल आलमीन गफूर मैं तो गफूर हूं बहुत ज्यादा रहमत वाला माफी देने वाला और आपने उसको इतना छोटा बना दिया क्या समझ के रखा है अल्लाह को पहले इस्लाम सीखो उसके बाद में अपनी सोच को बनाओ और अपनी सोच को बदलो उसके अलावा कुछ इस्माइलियों की आगाखानियों की बात करनी है कुछ जो हमारे एक्स आगा खानी है उनकी भी बात करनी है तो ये दोनों जो और मुसलमान तो मैंने अभी बात की आपको कि काफी लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं माशाल्लाह एक साल हो गया उसके ऊपर हो गया आपका जो सपोर्ट रहा है वो मैं कैसे बयान करूँ आपको शुक्रिया किस तरह करूं मुझे नहीं समझ आ रहा है लेकिन आपकी वजह से मैं यहां तक आया तो मुसलमानों को आगा खानियों को एक्स आगा खानियों को सबको मेरा सलाम है कि आपने मुझे यहां तक पहुंचा दिया एक आदमी एक बिल्ली गटर में फंस गई है और लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी से हो नहीं रहा है। तो मैं भी वो हुजूम में जैसे मैं पहुंचा वैसे एक आदमी ने अपना हाथ उसमें डाल दिया गटर में उस बिल्ली को निकालने के लिए उस बिल्ली ने सबसे पहला काम यह किया कि उसका हाथ काट लिया लेकिन उसके बल्कि उसके हाथ में से खून निकलने लगा अब अगर हम आप होते तो शायद जो है वो हाथ निकाल लेते और जो है मरम पट्टी करते लेकिन ये आदमी ने उसकी परवाह नहीं की और ना उसने उसका मजहब पूछा उसने अपने हाथों में खून निकल रहा है उसकी उसने परवाह नहीं की उसने उस बिल्ली को निकाला और बिल्ली तो थैंक यू बोले बिना वैसे ही चली गई ये होती है इंसानियत ये बात क्यों कर रहा हूं आपको क्योंकि मुझे कुछ तकरीबन एक महीना हुआ डेढ़ महीना हुआ कि मुझे कुछ मैसेजेस आ, आ रहे हैं काबिल गौर मानिए ना मानिए पाकिस्तान के नॉर्थ से आ रहे हैं अब ये मुझे कैसे मालूम कि ये नॉर्थ से आ रहे हैं क्योंकि उनकी जो एक्सेंट है उनकी जो बोली है वो नॉर्थ वाली बोली है वो कराची वाली बोली नहीं है या लाहौर वाली बोली नहीं है क्योंकि पिछले साल कराची वालों ने जो खोजे भाई हैं हमारे कराची में उन्होंने मुझे काफ़ी मुश्किल वक्त देने की कोशिश की थी फिर वो गायब हो गए जब उनको मैंने इनवाइट किया मैंने कहा ठीक है मैं गलत हूँ आप आइए मेरे चैनल पे सही बोलिए जो भी सही है वो बोलिए तो वो गायब हो गए थे याद है वो अभी तक वापस नहीं आए वो खोजे भाई हमारे चले गए कराची वाले जाके सो गए अब जो है कि मेरी वीडियोस नॉर्थ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुझे किसी ने कहा है कि ये वायरल हो गई है तो अब वहां के जो लोग हैं उन्होंने भी तारीफ की है बहुत अच्छा काम आ, किया है मैंने उनके उनकी नज़र से लेकिन कुछ नॉर्थ पाकिस्तानीज मुझे मैसेजेस भेजते हैं जो पढ़ने के भी लायक नहीं है और मुझे कोई बता रहा था कि नॉर्थ पाकिस्तान के जो आगा खानी है उनकी लिटरेसी रेट वन हंड्रेड परसेंट है यह किसी ने मुझे बताया था आप ये मैसेजेस पढ़िए और आपको इनकी लिटरेसी क्या लगती है या इनकी इंसानियत क्या लगती है आप मुझे लिख के बताना ये मैसेजेस को मुझे पढ़ना नहीं है मैंने एक दो दफा पढ़ा है मेरे लिए काफी है लेकिन इन्होंने मेरी माँ मेरी बहन और मेरी बीवी इनके ऊपर कीचड़ उछाले इससे आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है आज के लिए इतना ही काफी आप अपना ख्याल